हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और आज के सेशन में हम लोग द एलीट थ्योरी ऑफ पावर को समझने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप पॉलिटिकल साइंस का कोई भी एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हों, उसमें से आप देखोगे कि जो सी राइट मिल्स हैं एंड पैरेटो हैं, मोस्का हैं एंड रॉबर्ट माइकल्स हैं, इनके जो व्यूज़ हैं, इनकी बुक्स हैं और इनकी जो इनका जो कंसेप्ट है एलीट थ्योरी ऑफ पावर का, वो ज़रूर पूछा जाता है। अगर आपको अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो इसमें कोई ना कोई थिंकर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोग एलीट थ्योरी ऑफ पावर में सी राइट मिल्स का क्या कंसेप्ट दिया गया, देन पैरेटो का क्या कंसेप्ट है, हम इन तीन चार थिंकर्स को काफ़ी डिटेल में और बहुत ही सिंपलिस्ट मैनर पर समझने वाले हैं। हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आपको रट्टा ना मारना पड़े, एक तरीके से मेमोराइज ना करना पड़े, आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में चीज़ों को याद रख सकें। ये हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो मैं आज के सेशन को डिटेल में शुरू करूं, उससे पहले देयर इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो चैनल की, जिससे कि IR की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर अलग है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर अलग है, देन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, आपको इन सब की डिटेल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आप उस प्लेलिस्ट में जाकर जो पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो है वो देख सकते हो आप। ओके, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल जितने भी थिंकर्स हैं, आपको इसमें इस प्लेलिस्ट में जाकर सारे वो इनके लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप फॉलो कर सकते हो प्लेलिस्ट को। मेरा एक दूसरा चैनल भी है चैट पोस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसे भी विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप डायरेक्टली कनेक्टेड रह सकते हैं मेरे साथ, अगर आपको कोई डाउट है या कोई एकेडमिक हेल्प चाहिए। तो वापस आते हैं अपने सेशन में, अपने कॉन्सेप्ट पे जो आज हम समझने वाले हैं एलीट थ्योरी ऑफ पावर को। तो बेसिकली जो एलीट थ्योरी ऑफ पावर है, ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, कुछ लोगों का ग्रुप है और वो ग्रुप ऑफ पीपल इन्फ्लुएंशियल पीपल्स हैं, ओके, वेल्दी पीपल्स हैं। अब ये किसी भी क्षेत्र में इनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है, जैसे कि पॉलिटिकल क्षेत्र में, ओके, जैसे कि पॉलिटिशियंस हो गए, ओके, इकोनॉमिक क्षेत्र पे हो गया, जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, कॉरपोरेट सेक्टर के बड़े बड़े लोग हो गए, ओके, पॉलिटिकल में आपके ब्यूरोक्रेट्स भी आ जाएंगे, देन सोशल अफेयर्स में कई बार कल्चर, जैसे मान लीजिए जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, ओके, कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे लोग होते हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होते हैं ये लोग, ओके। तो ये जो एलीट थ्योरी ऑफ पावर है, इसने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ये स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल्स गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करते हैं। कुछ इसमें से जो ये थिंकर्स हैं, इनका ये मानना भी है कि भले ही डेमोक्रेसी क्यों ना हो, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस क्यों ना हो, बट स्टिल वहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है ना, वो देखने को मिलता है इन स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स के हाथों में, ओके। मतलब अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उसमें किसका से होता है, ये जो प्रिविलेज्ड एलीट वर्ग है, ये जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है, ये डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ओके, कि किस तरीके से डिसीजन लिए जाए। अब वो डोमेस्टिक अफेयर्स को लेकर डिसीजंस हो, कि मतलब एक नेशन के अंदर कैसे रूल करना है, किस तरीके के लॉज बनाने हैं, किस तरीके का सिस्टम होना चाहिए, या इंटरनेशनल रिलेशन पे हो कि फॉरेन पॉलिसीज किस तरीके से होनी चाहिए, हमें किस देश के साथ में बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, इन सारी चीज़ों पे इनका इन्फ्लुएंस रहता है, ओके। तो कुल मिलाकर ये है कि ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में जो पावर है वो एक तरीके से इवन वे पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग द पॉपुलेशन, ओके। तो समझ में आ गया, बेसिक मीनिंग समझ में आ गई कि व्हाट इज़ द एलीट थ्योरी ऑफ पावर। तो अब हम चलते हैं इन राइटर्स को, जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने एलीट थ्योरी ऑफ पावर में अपना सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इस थ्योरी को डेवलप करने पर, और इनके जो इनको हम सेपरेट एक लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इनके जो सी राइट मिल्स हैं उनके आइडियाज़ क्या हैं, पैरेटो के आइडियाज़ क्या हैं। ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। UGC नेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो या किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं आप पॉलिटिकल साइंस में, तो प्लीज़ इनको ज़रूर याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट में।
तो इस तरीके से जो ये डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, ओके, ये एक कॉमन, जो कॉमन इनका एरिया है स्टडी करने का, एक्सप्लेनेशन का, वो यही है कि किस तरीके से किसी सोसाइटी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, और इन्होंने चैलेंज किया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर का इवन इन द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ओके। और इनकी डिमांड थी कि इक्विटेबल फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी होनी चाहिए, दो कि इनके आइडियाज़ कुछ कुछ डिफर करेंगे नो डाउट, लेकिन इनका कॉमन एरिया ऑफ स्टडी क्या है कि किस तरीके से सोसाइटी में जो पावर है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आइए हम डिटेल में शुरू करते हैं इनके बारे में। सी राइट मिल्स के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो सी राइट मिल क्या है, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पावर एलीट का कंसेप्ट दिया, ओके। और इनका ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर एलीट, ओके। और इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है द पावर एलीट जो पूछी जाती है। सो कंसेप्ट ऑफ पावर एलीट कंसेप्ट किसने दिया, सी राइट मिल का है, ओके। अब जो सी राइट मिल है इनका मानना है कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है यहाँ पर जो पावर है वो कुछ स्मॉल इंटरकनेक्टेड इंडिविजुअल का ग्रुप है जो ऑक्यूपाई करते हैं हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट, कॉरपोरेशंस एंड मिलिट्री। तो इवन यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ पर डेमोक्रेसी हम कहते हैं ना कि वहाँ पर ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, बट स्टिल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कुछ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स जो हाई पोजीशंस को हेल्ड करते हैं इन द गवर्नमेंट, जैसे कि वो ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, कॉरपोरेशंस जो MNCs हैं, जिन जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप कह सकते हो, ओके, देन मिलिट्री में जो हाई पोजीशन हेल्ड करते हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, इंटरकनेक्टेड है, स्मॉल है, और ये लोग ही पावर को इंजॉय करते हैं, और इस ग्रुप ऑफ पीपल को ये क्या कह रहे हैं, पावर एलीट। और यहाँ पर इनका मानना है कि जो ये एलीट्स हैं ना, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं ना, यही डिसीजंस लेते हैं, यही कोर्स ऑफ सोसाइटी को शेप करते हैं, ओके। अब इनके आपस में जो इंटरेस्ट है ऑफन क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं कि ये अपनी पावर, अपनी प्रिविलेज, अपनी डोमिनेंस, अपनी पोजीशन को ये मेंटेन रखें, ये इनका कॉमन इंटरेस्ट है जो ये ग्रुप ऑफ पीपल है, चाहे वो गवर्नमेंट पोजीशन से बिलोंग करते हों, चाहे वो कॉरपोरेशन से बिलोंग करते हों, चाहे वो मिलिट्री से बिलोंग करते हों, इनका कॉमन इंटरेस्ट क्या है कि ये सोसाइटी में अपने प्रिविलेज, अपनी पावर, अपनी डोमिनेंस को मेंटेन रखें, ये इनका कॉमन इंटरेस्ट है, और इसके लिए अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं, ओके, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो सी राइट मिल का कंसेप्ट समझ में आ गया, पावर एलीट का कंसेप्ट समझ में आ गया। सेकंड में चलते हैं, सेकंड स्कॉलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं हम इस थ्योरी में, दैट इज विल्फ्रेडो पैरेटो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इटालियन इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट हैं, और इनका जो वर्क है वो रहा है सर्कुलेशन ऑफ द एलीट्स। सो सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया, पैरेटो के द्वारा दिया गया। इस कंसेप्ट में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सोसाइटी के अंदर एक कांस्टेंट साइकिल होती रहती है। साइकिल का मतलब ये है कि जो एलीट है ना, ये परमानेंट नहीं है, एक एलीट दूसरे एलीट को रिप्लेस करेगा ओवर अ टाइम पीरियड, ओके। तो यहाँ पर क्या एक तरीके से क्या हो रहा है, सर्कुलेशन अकर हो रहा है ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ वाइटल फ्यू। जैसे नए वाइटल फ्यू आ जाएंगे, जैसे नए पावरफुल लोग आ जाएंगे, वो जो प्रीवियस एलीट होंगे उनको रिप्लेस कर देंगे। ओवरऑल कहना ये है कि साइकिल ऐसे कुछ चलती है कि एक एलीट ग्रुप दूसरे एलीट ग्रुप को रिप्लेस करेगा। यहाँ पर ओवरऑल जो पावर है वो एलीट ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ही हेल्ड किया जाएगी। अब वो ग्रुप कौन है ये टाइम टू टाइम डिफर करेगा, ओके, समझ में आया ये सर्कुलेशन। तो यहाँ पर इन्होंने प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल ऑफ द वाइटल फ्यू एंड द ट्राइबल मैनी। इसमें इन्होंने कहा है कि जो माइनॉरिटी है, जो ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको ये एलीट कह रहे हैं, ये इनके पास स्किल्स हैं, क्वालिटीज़ हैं जो नेसेसरी होती हैं और लीड करने के लिए, एक लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए, डोमिनेंस पोजीशन बनाए रखने के लिए, पावर को इस्तेमाल करने के लिए। वहीं पर जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स हैं उनके पास ये क्वालिटी लैक करती हैं, ओके, लीडरशिप क्वालिटी, स्किल्स लैक कर रही हैं, तो इस तरीके से वो अपनी पावर नहीं मेंटेन कर पाते या अपनी प्रिविलेज नहीं बना पाते हैं सोसाइटी में, ओके। तो इन जो पैरेटो है इनका कॉन्सेप्ट क्या है, सर्कुलेशन ऑफ द एलीट। समझ में आ गया कि कैसे टाइम टू टाइम एक एलीट ग्रुप दूसरे एलीट ग्रुप को रिप्लेस करेगा, बट अल्टीमेटली पावर ये एलीट ग्रुप ही इंजॉय करेंगे सोसाइटी में। दूसरा,
और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल द वाइटल फ्यू एंड द ट्राइबल, जो ट्राइबल मेनी। इसका मतलब ये है कि ये जो जो हैंडफुल पीपल्स हैं, जो ग्रुप ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, इनके पास नेसेसरी क्वालिटीज एंड स्किल्स होती हैं लीड करने की, जो मेजॉरिटी में नहीं होती हैं। समझ में आया पैरेटो का कंसेप्ट? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मॉस्का का कंसेप्ट समझने, जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इस पावर एलीट थ्योरी में। ओके, तो ये जो मॉस्का है, ये एक इटालियन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं। इन्होंने कंसेप्ट दिया है रूलिंग क्लास एंड पॉलिटिकल क्लास का। ओके, सो द रूलिंग क्लास एंड द पॉलिटिकल क्लास का कंसेप्ट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? मॉस्का के द्वारा। यहाँ पर मॉस्का कहते हैं कि कोई भी सोसाइटी क्यों ना हो, हर एक सोसाइटी दो ग्रुप में डिवाइडेड होती है। एक वो ग्रुप होती है जो पॉलिटिकल पावर को हेल्ड करते हैं, पॉलिटिकली बहुत पावरफुल होते हैं। दूसरी एक क्लास होती है सबॉर्डिनेट क्लास। और इस तरीके से इन्होंने पूरी सोसाइटी को दो क्लास में बांटा है, द रूलिंग क्लास एंड द पॉलिटिकल क्लास। यहाँ पर जो मॉस्का है वो ये कहते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि जो रूलिंग क्लास है ना, ये स्मॉल माइनॉरिटी पीपल्स हैं। स्मॉल माइनॉरिटी पीपल्स है मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स है जो पावर को यूज़ करता है टू मेंटेन इट्स स्टेटस एंड प्रिविलेजेस। बाकी जो सबॉर्डिनेट क्लास है उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई रोल नहीं रहता है। ओके, तो ये मॉस्का का कंसेप्ट है। तो ओवरऑल इनका भी कंसेप्ट क्या है कि भाई सोसाइटी में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो पावर को इस्तेमाल करते हैं अपनी स्टेटस और अपनी प्रिविलेज को मेंटेन करने के लिए। दो कि इनका कंसेप्ट क्या है, रूलिंग क्लास एंड द पॉलिटिकल क्लास। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरीके से ये जो रूलिंग क्लास एंड पॉलिटिकल क्लास, ये सोसाइटी को दो क्लासेस में किसने डिवाइड किया है, तो ये आपके मॉस्का हो गए। अब हम अपने नेक्स्ट स्कॉलर की तरफ चलते हैं, दैट इज़ रॉबर्ट माइकल्स। रॉबर्ट माइकल्स एक जर्मन इटालियन सोशियोलॉजिस्ट हैं जो जाने जाते हैं अपने एक प्रिंसिपल के लिए, दैट इज़ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट माइकल्स के द्वारा। यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप उठाकर देख लो, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा आपको वहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर माइकल्स कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, वो इनिशियली डेमोक्रेटिक होते हैं, नो डाउट। जैसे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई किसी कंट्री में, तो इनिशियली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ओके, लेकिन जो ओलिगार्की, यहाँ पर ओलिगार्की का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ लीडर्स जो बहुत ही पावरफुल होते हैं सोसाइटी में, वो होता है ओलिगार्की। तो ओलिगार्की मतलब जो स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल्स हैं, वो धीरे धीरे इमर्ज हो जाते हैं ड्यू टू प्रैक्टिकल नेसेसिटीज़। इनिशियली सोसाइटी में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई, वहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लाए गए। डेमोक्रेसी क्या मतलब है? हर किसी इंडिविजुअल का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा वहाँ पर। ओके, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इक्वल से होगा। लेकिन रॉबर्ट माइकल्स कहते हैं ये इनिशियल कंडीशन होती है। इवेंचुअली धीरे धीरे, मतलब ग्रेजुअली क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ ओलिगार्की, ये ओलिगार्की इमर्ज हो जाते हैं। ओलिगार्की मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स इमर्ज हो जाते हैं आउट ऑफ द प्रैक्टिकल नेसेसिटीज़। अब प्रैक्टिकल नेसेसिटीज़ क्या है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट माइकल्स? यहाँ पर ये है, रॉबर्ट माइकल कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टाइम के साथ ग्रो करता है। ओके, उसका साइज़ बड़ा होता है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, और धीरे धीरे सभी मेम्बर्स का डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशन मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में एक तरीके से पार्टिसिपेट करें। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ ग्रो करता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ ग्रो करती। कॉम्प्लेक्सिटीज़ का मतलब है कि जब वो मल्टीपल फंक्शन को साइमल्टेनियसली एक तरीके से मल्टीपल फंक्शंस हैं या मल्टीपल एरियाज़ पर साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, तब ये कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि माइकल्स कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल नेसेसिटी यही बन जाती है ऐसे में कि भाई सभी लोग इकट्ठे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में,
एक तरीके से सेम तरीके से भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, थोड़ा डिफिकल्ट है सभी मेंबर्स के लिए पार्टिसिपेट करना। और ये फाइनली इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर कुछ लोगों के हाथ में आ जाता है। अब उस ग्रुप में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो पावरफुल लोग होंगे, जो टॉप पोजिशन में होंगे और जो इन्फ्लुएंशियल पीपल्स होंगे, वो उनके हाथों में पावर आ जाती है। फिर वो लोग क्या करते हैं कि आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं छोटा सा, और डिसीजंस लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल नेसेसिटीज़ आई, और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, द पावर एलीट यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। ओके, सो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का यहाँ कंसेप्ट समझ में आया कि किस तरीके से आउट ऑफ प्रैक्टिकल नेसेसिटीज़ एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स इमर्ज होते हैं, और वो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर लेते हैं, और इस तरीके से वो अपना स्टेटस एंड प्रिविलेज सोसाइटी में इंजॉय करेंगे। तो ये हो गए, हमने यहाँ पर तीनों, ये जो चारों स्कॉलर्स हैं, सी राइट मिल्स, पैरेटो, मॉस्का एंड माइकल्स, इनके कंसेप्ट को हमने डिटेल में समझ लिया। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि इनके आइडियाज़ कुछ कुछ चीज़ों में वैरी करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज दी है, बट ओवरऑल इनका एम्फेसिस किस में है, इनका फोकस कहाँ पर है कि किस तरीके से सोसाइटी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। ओके, अब आ जाते हैं कि अजम्पशंस क्या हैं। अगर आपको इन स्कॉलर्स की थ्योरीज़ और इन स्कॉलर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, तो ओवरऑल द एलीट थ्योरी ऑफ पावर के अजम्पशंस क्या निकल कर आते हैं। पहला निकल कर आता है कि जो पावर है दैट इज़ अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी, और जो स्मॉल ग्रुप ऑफ एलीट्स हैं वो उनको अनफेयर एडवांटेज मिलता है ओवर द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सिंपल से समझ सकते हो, जो पावरफुल लोग हैं वो ईजिली जा सकते हैं गवर्नमेंट के पास, वो ईजिली अपने आधार पर डिसीजंस ला सकते हैं, वो ग्रुप एक तरीके से प्रेशर बना सकते हैं गवर्नमेंट्स में कि हमारे फेवर में लॉ लाया जाए। और जो कॉमन मासेज हैं, जो रेस्ट ऑफ द मासेज हैं, उनको अपने छोटे छोटे काम के लिए भी भटकना पड़ता है, डिले होते हैं, और हो सकता है नहीं भी होगा। ओके, सेकंड एजम्पशंस ये निकल कर आता है कि जो एलीट मेंबर्स हैं दे हैव कॉमन इंटरेस्ट, और इनका कॉमन इंटरेस्ट क्या है, कॉमन गोल क्या है कि भाई वो अपनी वेल्थ, अपनी पावर, अपना स्टेटस, अपनी प्रिविलेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये इनका कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन गोल है। भाई स्वाभाविक सी बात है, सोसाइटी में जिसके पास प्रिविलेज है, उसका स्टेटस हाई है, तो वो चाहेगा ना कि वो उस पावरफुल पोजीशन में बना रहे। क्यों किसी और को वो अपने अपने ऊपर आने देगा, या अपनी प्रिविलेज क्यों जाने देगा, नहीं जाने देगा ना। थर्ड अजम्पशन ये निकल के आता है कि जो मासेज हैं दे आर जो एपैथेटिक है। एपैथेटिक मतलब यहाँ पर ये है कि जो ऑर्डरली सिटीजन्स हैं, बेसिकली जो कॉमन, जो रेस्ट पीपल्स हैं, रेस्ट ऑफ द पीपल्स हैं, मासेस हैं, दे आर पॉलिटिकली इग्नोरेंट एंड एपैथेटिक, मतलब इनएक्टिव हैं एक तरीके से। उनको कोई, मतलब कई बार क्या होता है, वो अपना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इंगेजमेंट को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो ओवरऑल अजम्पशन ये निकल कर आता है कि या तो वो इग्नोरेंट है, जैसे मान लीजिए इंडिया में आप एग्जाम्पल आप देखो, सोसाइटी आप बहुत अच्छे से एक तरीके से आप फैमिलियर हो। ओके, आप फैमिलियर है तो आपको पता है कि बहुत सारे जो ऑर्डरली मासेस हैं उनको वो कितना ज़्यादा, एक तो पहले पास बात ये है कि वो इलिटरेट हैं, अगर लिटरेट भी हैं तो उनका क्या जो नेसेसिटीज़ या प्रायोरिटी क्या है कि भाई हमें अपनी दो वक्त की रोटी जुगाड़ करनी है। ओके, कोई कितने ही लोग हैं जो इस चीज़ को फोकस करते हैं कि भाई गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या डिसीज़न लेकर आ रही है, और उस डिसीज़न को एनालिसिस करते हों कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, और ये डिसीज़न क्यों लिया गया है। ये इस तरीके की चीज़ें आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलेंगी। ओके, तो जो ऑर्डरली पीपल्स हैं वो अपनी कॉमन लाइफ में ही इतने ज़्यादा इंडल्ज और इंगेज हैं, या तो उनके पास टाइम नहीं है, या तो उनके पास एजुकेशन नहीं है, वो इलिटरेट है, और या तो वो कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन इंश्योर नहीं कर पाते पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल अफेयर में। और ये क्या करता है, जब ऐसी कंडीशन होती है तो ये जो एलीट ग्रुप है, ये जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स है, इन्फ्लुएंशियल पीपल्स का, इनके लिए आसान हो जाता है समाज में अपना कंट्रोल बनाए रखना, समाज में अपना स्टेटस एंड प्रिविलेज मेंटेन करना। ओके, इनके लिए आसान हो जाता है क्योंकि भाई जब ये इग्नोरेंट हैं, अपैथेटिक हैं, इनएक्टिव हैं, तो ये चैलेंज नहीं करते हैं इस एलीट ग्रुप को।
ओके तो ये कुछ एजम्पशंस निकल कर आए इस थ्योरी में जो हमने डिफरेंट स्कॉलर्स को यहाँ पर देखा। अब हम आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ एलीट की बात करो, अगर जो ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है ना, जिसे ओलिगार्की आप कह सकते हो या एलीट ग्रुप कह सकते हो, ये इसमें पॉलिटिकल एलीट है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पॉलिटिशियंस होते हैं, जो लॉज एंड पॉलिसीज़ को इन्फोर्स करते हैं और बनाते हैं उनको। इकोनॉमिक एलीट में वेल्दी बिजनेस ओनर्स आ जाते हैं, कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं। अब गूगल के CEO हो गए, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हो गए, आप सोचो कितनी पावरफुल पोजिशन में, टेस्ला या आप टेस्ला के देख लो CEO हो गए, तो ये कितनी पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल्स हैं। ओके, जो ये बोलेंगे क्या गवर्नमेंट डिनाई कर सकती है कभी, मतलब अगर ये चाहें तो कितना प्रेशर बना सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, इसी तरीके से इनका इकोनॉमी में इनका क्या होता है, सिग्निफिकेंट कंट्रोल होता है। देन कल्चरल एलीट, कल्चरल एलीट में जैसे कि मान लीजिए इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट हो गए, हॉलीवुड बॉलीवुड, इनके जो इन्फ्लुएंशियल पीपल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स आ गए। ओके, इंटेलेक्चुअल्स आप जो 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 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के प्रोफेसर्स हो सकते हैं, स्कॉलर्स हो सकते हैं, ओके ऑथर्स हो सकते हैं। देन मीडिया पर्सनालिटीज़, अब आपको पता है कि मीडिया का कितना ज़्यादा रोल रहता है एक एक ओपिनियन कंस्ट्रक्ट करने पे। ओके, कुछ पावरफुल मीडिया हाउस होते हैं जिनका इन्फॉर्मेशन पे फुल कंट्रोल होता है, वो जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में जाने देना चाहें या स्प्रेड करना चाहें वो कर सकते हैं, और जिस इन्फॉर्मेशन को वो हाइड करना चाहें बहुत आसानी से हाइड कर सकते हैं। ओके, और देन आता है मिलिट्री एलीट, मिलिट्री एलीट हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, ओके गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने के रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलीट्स है, और इन डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के जो सिग्निफिकेंट पीपल्स हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है, और इनके कॉमन इंटरेस्ट हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि ये आपस में अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके, अपने स्टेटस को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी प्रिविलेज अपनी पावर को मेंटेन कर सके। ओके, तो ये हो गया आपका ये। अब क्रिटिक की बात करें कि बहुत, अब भाई इतना कुछ थ्योरी पढ़ेंगे तो उसका कुछ क्रिटिसिज्म भी होगा, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे ना जो क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई ऐसा नहीं है जैसा ये डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पर एलीट थ्योरी ऑफ पावर के द्वारा। तो एक थ्योरी है प्लूरलिज्म थ्योरी। प्लूरलिज्म थ्योरी के जो थ्योरिस्ट हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि भाई जो पावर इस तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है जिस तरीके से एलीट थ्योरी ऑफ पावर के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। इनका मानना ये है कि जो पावर है वो अमंग दी मेनी कॉम्पिटेटिंग ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो प्लूरलिज्म थ्योरी, इनका मानना ये है कि कोई एक कुछ इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर नहीं अपनी पावर को मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रुप हैं सोसाइटी में और उनके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। वहीं पर क्लास कन्फ्लिक्ट थ्योरी है। क्लास कन्फ्लिक्ट थ्योरी कहती है कि जो जो ये क्लासेस है उनमें इनहेरेंट कन्फ्लिक्ट होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, ओके बिटवीन द रूलिंग एलीट एंड द वर्किंग क्लास एंड दैट पावर इज ऑब्टेंड थ्रू द क्लास स्ट्रगल एंड रिवॉल्यूशन। तो आपका क्लास कन्फ्लिक्ट थ्योरी यहाँ पर आ जाती है। ये दोनों थ्योरीज़ कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करती हैं एलीट थ्योरी ऑफ पावर को। अब आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द एलीट थ्योरी, कि आप कैसे देख सकते हो कि ये एलीट थ्योरी ऑफ पावर का एप्लीकेशन हो रहा है अपने आसपास। ओके, दो कि आप लोग होंगे जो इस चीज़ को, बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे आपके पास जो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कुछ पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी। अब फॉरेन पॉलिसी में आप देखोगे कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, ओके जिनका जो जो एक्सपर्ट होते हैं फॉरेन पॉलिसी के, एनालिस्ट होते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है फॉरेन पॉलिसी को शेप करने पे, डिसीजंस लेने पे और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपने देखा होगा जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा ये चीज़ पॉपुलर रहता है, अडानी अंबानी और ये लोग ही देश को चला रहे हैं। आम जनता ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करती है कि किस तरीके से अडानी और अंबानी के द्वारा देश को रूल किया जा रहा है, क्योंकि ये कॉरपोरेट क्षेत्र के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पीपल्स हैं और गवर्नमेंट के साथ इनका लिंक है। ओके, ये जैसे चाहें वैसे प्रेशर बनाकर गवर्नमेंट से पॉलिसीज़ डिज़ाइन करवा सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पर जो जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है, यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे एलीट ग्रुप ऑफ पीपल्स के. ओके, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए या डिफरेंट जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, वो इनका कंट्रोल रहता है कॉरपोरेशन के डिसीजंस पे. देन मीडिया ओनरशिप, जो एलीट थ्योरी है, आप इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस या कह सकते हो या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस क्षेत्र पे भी देख सकते हो कि किस तरीके से जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप है और इन्फ्लुएंस जो मीडिया कंटेंट पे. मैंने ऑलरेडी बताया ना कि भाई कौन सी न्यूज़ कवरेज करनी है, कौन सी न्यूज़ या कौन सी इन्फॉर्मेशन पब्लिक में स्प्रेड करनी है, एक पर्टिकुलर पब्लिक ओपिनियन को कंस्ट्रक्ट करना है, कौन सा मीडिया कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए, कैसे उसको पब्लिक तक पहुँचाना है. ओके, अभी रिसेंट में इंडिया में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, मणिपुर वायलेंस हुआ, ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई. आप मुझे कमेंट करके बताओ इस क्षेत्र में मीडिया ओनरशिप में, आप मुझे कमेंट करके बताओ कोई एग्जांपल्स जो आपको लगता हो कि एलीट थ्योरी ऑफ पावर का यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हुए, आप में से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि किस तरीके से एनडीटीवी का जो जिस तरीके से चेंजेस आए, तो मुझे कुछ एग्जांपल्स आप बताइए मीडिया ओनरशिप से रिलेटेड. आप कॉरपोरेट इन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड भी बता सकते हो जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रहा है एलीट थ्योरी ऑफ पावर का. कॉमेंट करके ज़रूर बताना. देखो, आपके कॉमेंट से क्या होगा, यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग होगी और हम सभी का नॉलेज इनरिच होगा. मेरा मुझे भी हो सकता है कुछ इनोवेटिव एग्जांपल्स या इनोवेटिव वे पे आपका जो जो ओपिनियन रहता है वो पता चलता है. इससे क्या होगा, मेरा नॉलेज भी एनरिच होगा और आपके जो कमेंट्स पढ़ रहे होंगे अदर स्टूडेंट्स, उनका भी नॉलेज एनरिच होगा. तो बहुत ज़रूरी है आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन. फिर उसी तरीके से अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, अपना ओपिनियन नहीं शेयर करेंगे, तो कुछ लोग होंगे जो अपने ओपिनियन को आप पर इम्पोज करेंगे और आप क्या करोगे, इन एक्टिव वे पे बस उसे लेते जाओगे. ओके, तो ये चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी. ये एक स्किल है कि आप अपने ओपिनियन को किस तरीके से रख रहे हैं, आप अपने ओपिनियन को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, और सामने वाला ओपिनियन आपको गलत लग रहा है तो आप कैसे लॉजिकली उसे चैलेंज कर सकते हो. ओके, तो ये चीज़, ये एक स्किल है. जैसे कि हमने देखा ना कि किस तरीके से यहाँ पर जो जो एक स्कॉलर्स का हमने देखा था यहाँ पर कि किस तरीके से वो स्किल्स लर्न करते हैं और अपने अपने जो जो पावर है उसको मेंटेन करते हैं. तो आपको भी ये स्किल, आपको लीडरशिप क्वालिटी सीखनी पड़ेगी, आपको आगे आना पड़ेगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना पड़ेगा. तो इम्प्लीकेशन ऑफ द एलीट थ्योरी ऑफ पावर को देखें और इसी स्लाइड के साथ हम कंक्लूड करेंगे आज का डिस्कशन. भाई अगर एलीट थ्योरी ऑफ पावर रहेगा तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट. तो जो एलीट थ्योरी है ये सजेस्ट करती है कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है दे आर एट द वल्नरेबल कंडीशंस. यहाँ पर मैनिपुलेशन होता है, कंट्रोल किया जाता है स्मॉल ग्रुप ऑफ द पीपल्स. तो इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, कुछ लोग अपनी पावर, जो पावर है वो अपने हाथों पे रखते हैं और बोलते हैं कि ये तो डेमोक्रेसी है, हम तो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और यहाँ पर इस तरीके से कि भाई जनता जो कह रही है वही चल रहा है. बट एक्चुअली क्या हो रहा है, बिहाइंड द कर्टेन क्या हो रहा है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जो एलीट ग्रुप ऑफ पीपल है वो पावर को इंजॉय कर रहा है अपनी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, अपनी डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए. तो यहाँ पर मैनिपुलेशन, ये कॉन्सिक्वेंसेज है. इनइक्वालिटी इज़ परपेचुएटेड. अब जो मेंबर्स ऑफ द एलीट है वो पावर को यूज़ करते हैं सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. भाई जब एलीट थ्योरी ऑफ पावर जो है जिसने ये सजेस्ट किया कि जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक क्षेत्र में जो वेल्दी पीपल्स हैं वो चाहेंगे कि वेल्थ उनके पास ही रहे, वो ज़्यादा से ज़्यादा और वेल्दी बने. ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आती है सोसाइटी में. और अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि जब सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी तो एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होगा. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इंक्लूसिविटी की. ओके, तो अगर आपको पॉवर्टी इराडिकेट करना है, इक्वालिटी लाना है सोसाइटी में, तो कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे और एलीट थ्योरी ऑफ पावर को चैलेंज करना पड़ेगा. तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है कि रेसिस्टेंस इज क्रूशियल. थ्योरी हाईलाइट करती है कि भाई जो मासेज हैं, जो रेस्ट ऑफ द पीपल्स हैं, उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस जनरेट करना होगा, उन्हें पॉलिटिकली
इन्फॉर्म्ड रहना होगा, कुल मिलाकर ये है, उन्हें एक्टिविज्म शो करना होगा। अब जैसे आप एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, इलेक्शन, अभी 2024 में इलेक्शन है इंडिया का, तो यहाँ पर आपको वोट देना है। लोग जाते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स, पब्लिक मीटिंग्स अटेंड करते, लेकिन पॉलिटिकली अवेयर नहीं होते, इन्फॉर्म्ड नहीं होते। भाई आप किस कैंडिडेट को वोट दे रहे हो, क्या आपने उसके बारे में जाना, क्या उसके हिस्ट्री के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में जाना, या आपने उसकी पॉलिसीज़ के बारे में जाना कि वो उसका 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 मैंडेट क्या है, उसका मतलब एजेंडा क्या है, वो क्या करेगा आपके लिए भविष्य में अगर हम इसे अपना अपना MLA या MP चुनते हैं। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्टिविज्म शो करना पड़ेगा। ओके, तभी आप सोशल जस्टिस अचीव कर सकते हो, इक्वालिटी अचीव कर सकते हो सोसाइटी में, एंड डेमोक्रेसी को ट्रू मैनर पे यहाँ पर आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन, द एलीट थ्योरी ऑफ पावर। आई होप कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा आज का लेक्चर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, एंड प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे अपने एग्जाम्पल्स ज़रूर दीजिएगा, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत वैल्यूएबल है, ताकि हम लोग ग्रो कर सके और भविष्य में काफ़ी क्वालिटी कंटेंट और काफ़ी जो जो ये जो वीडियो क्वालिटी है, लेक्चर क्वालिटी है, और उसको बेटर कर सके, इम्प्रूव कर सके। तो इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं, आप देखते हैं वीडियोज पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ डू इट गाइज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।